अस्सलाम वालेकुम अभी मैम, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज जरी। स्टार्ट द क्लास विद द नेम ऑफ अल्लाह, फोल्ड योर आर्म्स, रिसाइट विद मी ताऊस। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान और दूध के शर से। आई सीक द रेफ्यूज टू अल्लाह फ्रॉम शैतान एंड द आउटकास्ट। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द लॉर्ड ऑफ मर्सी। रेज योर हैंड्स फॉर दुआ, दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज, इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माई अल्लाह, इंक्रीज माई नॉलेज। आमीन। आपको बताइए आपका कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड है? जी के पीरियड। जी के इस्लामी, इस्लामी तो मैं आपको ओरल करवाती हूँ, तो हम जी के बुक्स पे काम करेंगे। रिकॉर्ड यू जी के बुक, दिस वन बुक। लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। दिस इज योर टेक्स्ट बुक, ओके? एंड टेक आउट पेज नंबर 20। टेक आउट पेज नंबर 20। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी कि आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपने पीजी में भी आपने शायद पढ़ा हो, मेरे ख्याल में आपने पीजी में पढ़ा है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ। ये भी हमारे पास भी टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आपको पता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं? मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स हैं। प्लांट तो आपको पता है, पौधे क्या होते हैं, पौधे तो आपको पता है ना। पौधों के भी आपको पता है हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे हमें, आपको मैंने बॉडी पार्ट्स पढ़ाए थे, जैसे मैं हूँ या आप हैं, हमारी एक बॉडी है, उसके पार्ट्स हैं ना, कितने पार्ट्स हैं? हेड, नेक, शोल्डर, आर्म्स। इसी तरह हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले रूट, ठीक है? रूट ये कौन सा पार्ट है जो कि अंडर द ग्राउंड होता है, यानी मोस्टली जो है ये ज़मीन के अंदर होते हैं। कुछ आपने गमलों में, कुछ क्यारी में देखा होगा, जड़ें बाहर भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये पार्ट जो है रूट, वो अंडर द ग्राउंड होता है, ठीक है? रूट्स, दिस ये कौन सा पार्ट है? दिस इज रूट, रूट्स, ओके? ये आपका कौन सा पार्ट है प्लांट का? रूट्स, जो कि ज़मीन के अंदर है। देन उसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट्स आता है? स्टेम। आपको पता है ना, जब भी आप कोई कोई भी बीज डालते हैं तो उसके सबसे पहले उसमें ज़मीन के ऊपर जो है वो क्या शो होता है? वो एक स्टेम शो होती है ना, स्टेम होती है, फिर वो बड़ी होती है, बड़ी होती है, फिर लीव्स आते हैं, फिर उसमें फ्लावर आता है, इसी तरह, ठीक है? तो रूट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स आएगा, वो है स्टेम, जिसको हम उर्दू में तना बोलते हैं। रूट्स को हम उर्दू में जड़े बोलते हैं, जड़ या जड़ें, ठीक है? और स्टेम को हम बोलते हैं तना, ठीक है? स्टेम के बाद हमारे पास है लीफ। लीफ, लीफ उर्दू में हम क्या बोलते हैं? पत्ता, ठीक है? रूट्स, स्टेम, लीफ, देन फ्लावर। फ्लावर कितने पार्ट से काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट? 4, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर। रीड विद मी, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ओके? चले, टीचर ने आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट बताया, टीचर के साथ रीड करें। रूट, रूट बनाए, शाबाश, लाइक दिस, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। रूट, स्टेम, गुड, लीफ, फ्लावर, वेरी गुड, ओके। अब फिर मैं आपको एक चार्ट शो करवा रही हूँ, जिससे हम जो है ना पार्ट्स ऑफ प्लांट देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है? ये टीचर के पास एक चार्ट है, इसमें क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ठीक है? सबसे पहले टीचर ने आपको क्या बताया था?
बनाते हैं ये देखें, रूट्स, दिस इज रूट्स, ठीक है, दीज आर रूट्स, ओके, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, जल्दी से एक बार और टीचर के साथ पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से, ओके, रूट्स, और ये कौन सा पार्ट है जो जमीन के अंदर होता है, लेकिन मैं अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ पार्ट जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स ऊपर भी होती है और दरख्तों की भी ऊपर होती है, तो ये आप ये नहीं बोलिए टीचर ने तो बोला था जमीन के अंदर ये तो हमें दिख रही है, ओके, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टीचर आपको एक एक्टिविटी करवाएंगी, यानी कि हमें एक वर्क करना है आपके एक्टिविटी पैड में, ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी पैड निकालेंगे, ठीक है, दिस इज योर एक्टिविटी पैड, ओके, एंड टेक आउट पेज नंबर 69, दिस वन पेज, चलो ये टेक आउट करेंगे। अब आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट का अच्छे से समझ आ गए ना, मैं क्लास ऑफ मेंशन कर रहा हूँ, डेट मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इस पर वर्क करेंगे और मैं आपको बोर्ड पर, मैंने बोर्ड प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, मैं वहां वर्क करवाती हूँ और आप यहाँ करेंगे, ठीक है। रीड द कैप्शन, मेजर सिमिलर पार्ट्स ऑफ प्लांट, सिमिलर मतलब एक जैसा जो पार्ट है ना इस प्लांट का उसको हमें मैच करना है, ओके, टेक योर पेंसिल्स, पेंसिल्स लें जल्दी से हाथ में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर यहाँ से देखो तो कौन सा पार्ट है, फ्लावर, फ्लावर को मैं कहाँ किससे मैच करूंगी, लीफ से और फ्लावर से, ठीक है, तो जो फ्लावर है इसको मैं किससे मैच करूंगी, इस फ्लावर से, ओके, लाइक दिस, आप भी करें, ठीक है, डन। द नेक्स्ट, लीफ, लीफ को मैं कहाँ मैच करूंगी, वेयर इज लीफ, वेयर इज लीफ, यहाँ पर लीफ है तो मैं इसको यहां पर मैच कर दूंगी, ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेम, स्टेम कहाँ है, केरे स्टेम, और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं, ठीक है, तो मैं इसको इससे मैच कर दूंगी, एंड द लास्ट रूट्स, ठीक है, क्या है ये, रूट्स हैं, रूट्स को हम कहाँ मैच करेंगे, ये और हमारे पास जो सेकंड रूट्स है वो ये रही, तो मैं इसको यहाँ मैच करूँगी। अच्छी मजे वाली एक्टिविटी है ना, मजा आ रहा है ना करके, अच्छा लगा आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये आज का मैंने आपको क्लास वर्क करवाया, ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छे से पार्ट्स ऑफ प्लांट में याद करने हैं, ठीक है, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको आपका होमवर्क समझाती हूँ, टेक आउट योर नेट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस एक्टिविटी बुक, एंड टेक आउट पेज नंबर 31, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, क्या करना है इसमें, ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, आपको ये स्टेम दी हुई है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें एक लीफ ड्रॉ करना है, नीचे आपने रूट्स बनानी है और यहाँ पे आपने एक फ्लावर बनाना है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छा सा एक वर्क है, आप मजे से करिएगा, उसमें कलर भी कर सकते हैं, फ्लावर में देखिए कलर दिखाया गया, अगर आप चाहें तो कोई और फ्लावर कर सकते, पिंक, रेड, येलो, जो दिल चाहे कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका होमवर्क था। अब आपको पता है जब हम इस्लामियोलॉजी का सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हैं उसके साथ हमारे पास क्वेश्चन भी होते हैं, एक आउट योर वर्कशीट पैड, एंड टेक आउट जीके पोर्शन, यानी कि आपकी कन्वर्सेशन यही सामने भी मिलता है आपको, जीके भी मिलेगा आगे, ठीक है, टीचर ने आपको 3 क्वेश्चन जो है वो याद करवा दिए हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर स्कूल नेम, हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव, दिस इज योर होमवर्क, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आप कितने साल के, आई एम,
ये आपको याद हो गया, जिससे मैंने मैंने आपकी प्रीवियस क्लास में आपको ये याद करवा दिया है। ठीक है, आज का जो मैं आपको वो होमवर्क बता रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप मेंशन कर लिएगा, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब इसमें क्या करना है, आप स्कूल कैसे जाते हैं, अगर आप वैन से जाते हुए तो आप बोलेंगे बाय वैन, और पेरेंट्स लेकर के साथ आते हैं तो बोलेंगे बाय पेरेंट्स, और ऑटो में आते हैं तो बोलेंगे बाय ऑटो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगी, अभी लेकिन अभी याद करना है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, सामयिक पोर्शन निकालेंगे। ये आपका सामयिक पोर्शन है, जीके के आगे आप पेज टर्न करेंगे तो आपको ये वाला सेक्शन मिल जाता है। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन याद करा दिया है, नेम द पर्सन हु कॉल्ड अज़ान इन मस्जिद, हाउ मेनी ईद डू वी सेलिब्रेट इन अ ईयर। ओके, आज का जो होमवर्क मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द ईद्स। नेम द ईद्स कौन सी है, ईद के नेम्स बताने हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ठीक है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, आपको पता है ना हमारी दीदी कितनी हो, कितनी ईद होती है, 2। तो हम और उसके नेम क्या है, ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, यहाँ मैंने बोर्ड पर आपको होमवर्क मेंशन करके दिया। लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस बुक पेज नंबर 31, जो कि जहाँ आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को ड्रॉ करने, जीके ओवर में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाया हाउ डू यू गो टू स्कूल, और इस्लामिक से क्वेश्चन नंबर 3 करवाया नेम द ईद्स। ठीक है, और ये आपको कहाँ से याद करने वाला, फिर पैड से याद करने के, मेरे साथ जल्दी से रिपीट कर लें, पार्ट्स ऑफ प्लांट रिपीट कर लें, रूट रूट जल्दी से बनाए, रूट्स स्टेम, गुड वेरी गुड, लीफ फ्लावर। ओके, अच्छे से इसको याद करना है, और पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने हैं काउंट कर लें, 1 2 3 4। ठीक है, चलें इसको अच्छे से याद करिएगा, और काम बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि मैं आपको शाइनिंग स्टार्ट दूंगी। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।